हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉगर दीपा सैनी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम के अचार की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसे बनाएंगे हम मार्केट के रेडीमेड मसाले से। इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ये बिल्कुल उन्हीं मसालों से तैयार मसाला है जो हम घर पर बनाते हैं। तो चलिए झटपट आम का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 1.5 किलो कच्चा आम। देखिए, आप देख सकते हैं आम बिल्कुल फ्रेश है, अभी ताज़ा आम हमने लिए हैं, अपने फार्म हाउस के ही हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आम बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर हमें लगता है किसी आम पर दाग है, दबा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं इस आम पर दाग है और दबा हुआ है, तो हमने अलग निकाल दिया है। हमने आम को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है, अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे सोते की हेल्प से, क्योंकि आम में जाली पड़ गई है तो आम को चाकू की हेल्प से काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे हम सोते से काटेंगे। और पीसेस आपको जितना बड़ा रखना है वो रख सकते हैं, और आजकल तो आम मार्केट में भी जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से काट कर मिल जाता है। अगर आपके पास घर पर नहीं है सरोता तो आप मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हैं। इस तरीके से हम इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। आम काटते वक्त ध्यान रखें कि आम बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। और देखिए, आप देख सकते हैं अंदर इसमें एक लकड़ी जैसी जाली है, तो ये ज़रूर होनी चाहिए आम में। अगर आम सॉफ्ट है अंदर से तो उसका अचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। आम के पीसेस आप छोटे या बड़े अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। देखिए, आपको दिखा देते हैं, आम के अंदर ऐसी जाली ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसका अचार लॉन्ग टाइम तक चलता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट, 1 स्पून हल्दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और हल्दी हर एक पीस पर अच्छे से लग जाए, क्योंकि नमक लगने से आम का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। देखिए, सभी पर अच्छे से लग गई है। अब एक साफ़ कपड़ा लेंगे, धूप में फैला देंगे, आम को 3 से 4 घंटे धूप में सुखाएंगे। धूप तेज़ है तो हमारा आम बहुत जल्दी सूख जाएगा, इसका जो गुद्दा है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा। इससे पता चलता है कि आम अचार के लिए तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम 2 कटोरी सरसों का तेल लेंगे। तेल को तेज़ आंच पर गर्म कर लेंगे, क्योंकि जो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो निकल जाएगी, और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, आम जो है बहुत अच्छे से सूख गया है और आम का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और आम का जो गुद्दा है वो थोड़ा सिकुड़ गया है क्योंकि उसका जो पानी था एक्स्ट्रा वो सब सूख गया है। अब अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर आम के अचार का मसाला 500 ग्राम। इसके डिस्क्रिप्शन में जो जो मसाले यूज़ हुए हैं वो सब दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। इस तरीके से इस अचार के मसाले को यूज़ करके आप झटपट घर पर ही टेस्टी आम का अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर 300 ग्राम आम के अचार का मसाला, क्योंकि हमने 1.5 किलो आम लिया है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 300 ग्राम मसाला। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 बॉल सरसों का तेल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसमें हम डालेंगे 2 स्पून वाइट विनेगर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल देंगे। और इसे मिक्स करके इसमें आम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने आपको बताया है रेडीमेड मसाले से झटपट आम का अचार कैसे तैयार करें। अगर आप घर के मसालों से आम का अचार बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देखें मैंगो पिकल की रेसिपी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा झटपट हरा अचार तैयार हो गया, क्योंकि इसे हमने नमक डालकर नहीं रखा है। अगर हम नमक डालकर आम को एक रात के लिए रख देते हैं तो उसका जो हरापन है
वो नहीं रहता। अचार को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट से ढककर रात भर रखेंगे। देखिए रात भर रखने के बाद अचार का कलर कितना चेंज हो गया है। बहुत अच्छा हमारा अचार बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी हमारा आम का अचार लग रहा है। अब इसे हम स्टोर करने के लिए एक जार में भर के रख देंगे। जार को हमने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया है। आप देख सकते हैं आम का अचार कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसे जार में भर देंगे। आम का अचार हमारा तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार सालों साल ख़राब ना हो तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप आम का अचार खाने के लिए निकालें तो किसी छोटी बोतल में निकाल कर रख लें, हमेशा बड़े जार में हाथ ना डालें, गीले हाथ ना डालें, आटे वाले हाथ बिल्कुल नहीं डालने हैं, इससे आम का अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और जार में अब सरसों का तेल डाल देंगे।